बहुत बार हम ऐसी मूवीज देखते हैं जिन्हें देखकर हमारी नींद उठ जाती है. द पावरफुल स्टोरी टेलिंग लीव्स अस डिस्टर्ब. दीज मूवीज आर ऑफन मेंशन्ड एज द जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा. तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 5 मूवीज की बात करूंगी जिन्हें देखकर सच में मेरे होश उड़ गए. दीज मूवीज हॉन्टेड मी फॉर डेज आफ्टर. सच कहती हूँ, भले ही इन मूवीज को बने हुए एक जमाना हो गया है, इवन देन दे आर स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट. भूत कन्नड़ी, ये मलयालम मूवी 1997 में रिलीज हुई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर विनिंग सेवरल अवार्ड्स. भूत कन्नड़ी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है. भूत कन्नड़ी का मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास. मलयालम सुपरस्टार ममूटी की ऐसी जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है ये जो आपको अंत में हैरान कर देगी. यू हैव अ वेरी यंग हैंडसम ममूटी प्लेइंग द रोल ऑफ विद्याधरन, अ क्लॉक मेकर हु इज सर्विंग मर्डर सेंटेंस इन द जेल. व्हाट हैपेंस व्हेन ही कम्स अक्रॉस अ स्मॉल होल इन द वॉल्स ऑफ द प्रिजन दैट गिव्स हिम अ व्यू ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. ममूटी's परफॉर्मेंस एज यूजुअल इज अमेजिंग. इट इज सच मूवीज दैट हैव मेड हिम द सुपरस्टार ही इज. The climax is just superb, unexpected and mind-blowing. Bhoot Kannadi is a must watch. I highly recommend it. Ab main baat karungi Mahanadi ki. Kamal Haasan ki ye Tamil movie is a gut-wrenching, emotionally charged movie. I don't think there will be a single person unaffected by this movie. Ye movie 100% aapko rulayegi, bahut rulayegi, unless you are pathar dil. ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी. इट इज अ स्टोरी ऑफ एन इनोसेंट मैन हु इज फ्रेम्ड इन अ फाइनेंशियल स्कैम एंड इम्प्रिजन्ड. आफ्टर हिज रिलीज ही लर्न्स दैट हिज डॉटर वाज सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड ही स्ट्रगल्स टू फ्री हर. कमल हासन का जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, इट्स सिंपली माइंड ब्लोइंग. महानदी इज अ मस्ट वॉच. अब बात करते हैं सद्यम की. मोहनलाल के इस मलयालम मूवी के बारे में क्या ही कहूं मैं. दिस मूवी लेफ्ट मी स्टैंडेड. दिस मूवी वॉज क्लियरली अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी उस वक्त चली नहीं, लेकिन विद टाइम इट हैज बीन एम्ब्रेस्ड एज अ क्लासिक. ये एक ऐसे आदमी की कहानी है हु इज सर्विंग टाइम इन प्रिजन एंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द मर्डर ऑफ टू गर्ल्स एंड टू मेन. क्या है उसकी कहानी. द एक्शंस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट आर डेफिनेटली थॉट प्रोवोकिंग. इस कैरेक्टर को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे. डू वॉच दिस फिल्म. अब बात करते हैं तन्मात्रा की. तन्मात्रा इज अगेन अ मोहनलाल फिल्म. जस्ट प्रूव्स व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर मोहनलाल इज. तन्मात्रा में रमेशन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है. क्या होता है जब उसे पता चलता है कि वो बीमार है, उसे अल्जाइमर है. विल दिस अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स चेंज रमेशन्स लाइफ फॉरएवर एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम विटनेसिंग हिज ड्रीम वेयर हिज सन बिकम्स अ रेप्यूटेबल IAS ऑफिसर. Performances हो या direction या cinematography, everything about this Malayalam film is perfect. It's a beautiful story that will touch your heart in ways unimagined. ये movie देखकर आपका दिल बैठ जाएगा, आपको रोना आएगा, especially the ending. The movie's climax is really sad. It's a beautiful, beautiful movie. Please do not miss it. अब बात करते हैं तनिया वर्धनम की. Mammootty's Malayalam movie Taniyavartanam is a masterpiece. It talks about how superstitions can sometimes take over our life and lead us to doom. Bali Gopalan एक स्कूल टीचर है जो अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनके परिवार का ये मानना है कि कुलदेवी के श्राप से हर पीढ़ी में कोई एक परिवार का सदस्य पागल हो जाता है. इट्स अ कर्स. बाल गोपालन्स अंकल इज लॉक्ड एंड चेन्ड इन अ रूम एज ही इज कंसिडर्ड मेंटली अनस्टेबल. एक रात बाल गोपालन एक बुरा सपना देख लेता है, आफ्टर विच हिज फैमिली एंड विलेज पीपल मार्क हिम एज मेंटली अनस्टेबल. इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है, इट विल शैटर यू. इन फैक्ट द मूवी इज क्वाइट पेनफुल टू वॉच. Mammootty's performance will leave you stunned. It is one of his best performances. Taniyavartanam is easily one of the best movies I've ever seen. Ek tarah se dara degi ye movie. It will make you question about the world that we are living in.